নমস্কাৰ ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপৰ এক্সক্লুজিভ ইণ্টাৰভিউলৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছে যিয়ে অসমত এতিয়া টুৰপাল লগাইছে এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে সেয়া হৈছে গ্ৰেজুৱেট চাইৱালা আজি আমি তেখেতৰ লগত তেখেতৰ ষ্ট্ৰাগল লাইফ তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি গোটেইখিনি তেখেতৰ লগত আজি কথা পাতিম আৰু ভিউৰ্ছসকলেও এক্সোৱেলি জানিব বিচাৰিব যে তেওঁ एटा फेमस रोल केने के प्लेसम so so मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पे बुलाया और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो मुझे इतना लव एंड सपोर्ट दे रहे तो थैंक यू सो मच गाइस मैं अभी तो फिलहाल तो अभी मैं जितना थैंक यू बोलूं वो कम है और आपको भी जो आपने मुझे इतना आ,

से ग्रेजुएट हाँ। वो कैसे मतलब अपने किया स्टार्टिंग में तो ये आ, जब मैं घर, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था फिर भी माँ बाप मुझे बोल रहे थे कि हाँ मास्टर्स करो ग्रेजुएशन के बाद तो मुझे वो पसंद नहीं था फिर मैं थोड़ा वो लोग को अच्छे से बोला भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या जैसा भाग के मैं इधर गुवाहाटी में आ गया तो वो गुवाहाटी में बहुत कुछ किया जैस लाइक बहुत कुछ झेलना पड़ा मुझे मैं जॉब के लिए बहुत तरस रहा था पर हाँ। मुझे फाइनली तो यही करना था कि मुझे खुद कुछ करना था हाँ। तो मैं प्लानिंग किया बाद में ये चाय दुकान स्टार्ट किया अच्छा। और धीरे धीरे सब कुछ चल रहा आराम से ये आइडिया कहाँ से आया मतलब कि मुझे चाय बनानी है और मतलब यही नाम रखना है ग्रेजुएट चाय वाला नाम हाँ, के ये नाम जो है मैं एक और एक चाय वाला है इंडिया में उसको फॉलो कर देना आप लोग वो मेरे से पहले आया है तो मैं सेकेंड हूँ तो उसका नाम है एम बी ए चाय वाला प्रॉफिट बिल्लोरे बोल के तो उसका नाम से मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो थैंक यू सो मच उसका मैंने वीडियो देखा तो उसके बाद मैंने एम बी ए चाय वाला के बाद ग्रेजुएट चाय वाला रखा जो मुझे रखना चाहिए था तो उसका काम से मैं उसका काम क्या करते क्या नहीं करते तो मुझे पता नहीं मैं अपना स्टाइल से सब काम अपने तरीके से करता हूँ पर नाम जो है मैं उसी से इंस्पायर होकर रखा हूँ तो और आ... और क्या प्लानिंग है अभी तो शुरू किया कितना कितना टाइम हो गया आपका स्टॉल का अभी टू एंड हाफ मंथ होने वाला है, हुआ नहीं है और कैसा चल कैसा रहा है अभी दो महीने जब हुआ मेरा स्टॉल तो उधर मेरे स्टॉल में आग लग गया था तो पंद्रह दिन में ऐसे ही बैठ के सब प्लानिंग किया ये करना है वो करना है और बहुत जगह से मुझे पार्टनरशिप के लिए फ़्रेंचाइजी के लिए और ये सब बात के लिए बहुत कॉल्स आ रहे थे तो मैंने पहले तो अटेंशन नहीं दिया था और मुझे पता नहीं था यूट्यूब में इतना सारे वीडियोस है जिसमें नाइन्टी के एट्टी के हंड्रेड के इतना सारे वीडियोस है जब मैं रेस किया जब मेरा पैर पे थोड़ा चोट लगा था तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था मुझे तो तब मैंने देखा कि बहुत मतलब कुछ अनदर लेवल पर वॉच गया सब तो मुझे अच्छा लगा मैं जितना भी एक्सपेक्ट करता नहीं था हाँ जितना मैं सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल रहा है और मैं पहले भी बहुत खुश था अभी भी बहुत खुश हूँ मैं आगे जाऊँगा पीछे में कोई बात नहीं है पर मैं हमेशा खुश रहूँगा और जो मेरे लिए मेरा लाइफ स्टाइल जैसा है मैं उससे बहुत खुश हूँ अगर कोई मुझे दूसरा कुछ आके जितना बड़ा लाइफ भी दे मुझे पसंद नहीं है मुझे लोगों के साथ बात करना पसंद है मुझे लोगों से मिलना पसंद है और जस्ट लाइक मैं हर एक मोमेंट में एंजॉय करना पसंद है मुझे जितना भी हो पैसा आएगा जाएगा मन कम्स एंड गोस बट जो है अभी मेरा मैं वो हमेशा ऐसे ही मतलब सिंपल रहने का कोशिश करूँगा और हाँ और एक मेरी मन में एक सवाल था हाँ। चाय में ऐसा स्पेशल क्या है जो लोग आपकी दुकान में इतना भीड़ करते हैं स्पेशल तो कुछ ऐसा मतलब स्पेशल बहुत कुछ है और कुछ है भी नहीं क्योंकि लोग इतने अच्छे मिल रहे हैं मुझे जो वो लोग ही मेरे लिए स्पेशल है इतना प्यार से मेरा चाय पीने आ रहे हैं इतना मतलब फोटो वोटो खींच कर हाँ है हाँ मतलब मेरा खुद का जो मसाला है वो अभी मैं रोज नया नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ उसमें तो यूनिक प्रोसेस चल रहा है मेरा उस पर तो मैंने अभी जिस लाइक सेपरेट टाइप का मसाला छः सात अलग अलग मसाला मैंने बना के रखा है हाँ, वो खुद का है हाँ वो सब खुद का है मेरा और वो मैं कुछ नया उस पर ट्राई कर रहा हूँ जिस लाइक अभी यूथ को तो एक स्मोकिंग फ्लेवर मे इंडी मिट्ट बोल के सिगरेट आया है उसका स्मोकिंग फ्लेवर मैं चाय में भी देना चाहता हूँ तो वो भी मैं नया ट्राई कर रहा हूँ और इसका ये जो मेरा जो मसाला है वो मसाला मैं कुछ महीना बाद मैं पैकेटिंग करने का प्लानिंग कर रहा हूँ उसी मैं अभी काम भी कर रहा हूँ तो उससे पहले मुझे बहुत कुछ करना है जस्ट लाइक चाय वर्कशॉप जो जो ग्रेजुएशन कर रहे हो वो स्टूडेंट्स के लिए वो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि मैं फिलहाल अभी ये टू वीक्स के बाद मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ ग्वाटी पर करंट लोकेशन सेट करके तो आप लोग आइए मेरा कुछ चार्जेस उस स्टार्टिंग में जस्ट लाइक टू थाउजेंड रुपीज़ में स्टार्टिंग में ले रहा हूँ उसके लिए वो बाद में वो पैसे मैं वापस दे दूंगा अगर आपको जॉब नहीं मिलता है मेरे तरफ से तो वो पैसा वापस दे अगर जॉब मिल गया तो वो पैसा आपका ड्रेस में और आप ही के ऊपर वो इन्वेस्ट होगा वो पैसा तो मैं मंथली सैलरी एट टू टेन थाउजेंड आप लोग को दे रहा हूँ तो आप लोग आज जाइए मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और इस समय मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली बात कीजिए जो पहला पहले जो लोग मुझे मिलेंगे उनको मैं डायरेक्टली मैं खुद रूम पे ही के वो लोग को कुछ स्टॉल्स में एक करेंट टाइम जस्ट लाइक शाम को छ बजे से नौ बजे तक तीन घंटा का जॉब होगा आपको पार्ट टाइम करना है तो उसी के आंसर में आपको कुछ अमाउंट भी दे रहा हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा तो प्लीज आप लोग आ जाइए थैंक यू सो मच साधन ये चाय वाला जो टैग है हाँ। उस वो फीलिंग्स कैसा आता है मतलब अगर कोई आपको बुलाता है चाय वाला हाँ। कभी ऐसा फील होता है नहीं ये काम मेरे लिए कभी कभी छोटा पड़ जाए नहीं चाय वाला क्या मैं लोगों के घर में टॉयलेट भी साफ किया मेरे गुवाहाटी में आ गया चाहे तो बे अलग लेवल का बात है टॉयलेट साफ़ किया है मैं लोगों के जाकर लोगों का घर साफ साफ़ साफ किया मैं कम टाइम में बहुत कुछ कर चुका हूँ गुवाटी में तो मैं स्टेशन पर सोता था, था कुछ दिन पहले मैं रात को वेलेंटाइंस डे के टाइम पर मैंने रात के फ्लावर बेचा इधर मेरा गणेश गुजर स्टार्टिंग में तो मेरा उतना चलता नहीं था जब लोगों को पता चला चाय लोगों ने पिया तभी मेरा चलने लगा तो जस्ट लाइक मुझे बहुत रिपोर्टर्स लोगों को बहुत हेल्प मिला जस्ट लाइक डी वाई थ्री सिक्स फाइव जिन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू बोला था उसको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो दस दिन में टू मिलियंस व्यूज़ हो गया था वो वीडियो में तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसी मैंने वो मैं कभी सोचा भी नहीं था तो जब मेरा दुकान बंद होता था तो वेलेंटाइंस के डे पे वो एबीसी बी सी क्रिस्चन बस्ते उधर खाना खाने का जगह है तो वहाँ पर लोग मतलब गाड़ी वाड़ी लेके आते थे तो मैं रास्ते से जाते वक्त फुल फ्लावर दिखाई दिया तो मुझे दिमाग में आ गया वेलेंटाइनस डे है रोज़ डे क्या ऐसा कुछ बहुत सारा डेस है ना तो उधर मैं फ्लावर सेल कर गिफ्ट सेल किया था तो हमें बाहर से कम दाम में लेता था तो उधर जाकर ज़्यादा में सेल कर देता था और किसी में गाना भी सुना देता था अच्छा ऐसे सब कुछ करके चल रहा था धीरे धीरे वो सब चीज़ मेरा हॉबी है वो लोगों से बात करना रूम पर जाकर कोई काम नहीं था अपना वेलेंटाइन भी नहीं था तब अभी भी नहीं है तो वही सब मैं इंजॉय करता था लोगों से बात करके कुछ कोई किसी का टेंशन नहीं तो बात करके उसको खुशी मिलती है मुझे भी अच्छा लगता है हाँ तो ऐसा है और काम नहीं होने से मेरा ओवर हो गया मैं सो भी नहीं पाता हूँ अभी मेरे ये जो आग लगने के बाद मैं दिन भर बिजी रहता था उसके बाद मेरा कुछ ऐसा पाँच दिन कुछ ऐसा था जो बहुत भयानक था क्योंकि कुछ काम मैं कर नहीं पा रहा था और बेड ड्रेस कर करके मैं थक गया था और मैं क्या करूँ क्या ना करूँ अभी कैसे स्टार्ट करूँ फिर से क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत डर गया था मैं फिर जैसे लाइक मैं अकेले अकेले मैं जितना भी किया हूँ सब अकेले ही किया है मैंने तो अकेले जब मैं रहता हूँ तो कुछ आनाधा लेवल का सोचता हूँ मैं जैसा आप जब अकेले रहेंगे ना इफ़ यू आर नॉट अलोन यू डज नो अबाउट यूर आप खुद के बारे में आपको अब आप बड़ा झुंड में रहेंगे ना तो आपको वो लोग से कंपेयर करके आपका सेल्फ रेटर खुद के अंदर डाउन हो जाएगा चारी आप अकेले काम करेंगे तो, तो आपका क्या क्वालिटी है हाँ आप क्या कर सकते हो आप आपको अकेले रहने में डर नहीं एक्सपीरियंस मिलेगा एक अभी जस्ट लाइक मैं पहले तो घर से उतना निकला नहीं था घर से नहीं मैं किया था काम पहले पर घर से जब मैं निकल के आया तो मुझे कुछ खुद जब खुद एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने ना तो मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है हाँ तो ज़्यादा सोच के फायदा नहीं है जितना सोचा है वो अप्लाई करो बस आपने जब अभी प्लान किया है वो बस रुक के रखोगे तो नहीं होगा बाद में ये होगा ये होगा ये प्रॉब्लम आएगा तो जितना अमाउंट है आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए पाँच सौ रुपये लेके आए थे गाड़ी में तो स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग इज ऑलवेज हार्ड यू नो तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा बाद में जाके सब कुछ आराम से सब सेटल हो जाएगा इतना तुम्हें यूथ जेनरेशन के लिए इंस्पिरेशन তোমাক একচুৱেলি ফ'ল' কৰে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই তোমাক যিমানখিনি ফ'ল' কৰিছোঁ তোমাৰ প'ষ্টখিনি মই যিমানখিনি কমেণ্টচ আহিছোঁ তেওঁলোকে তোমাক বহুত ধুনীয়াকৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা মেছেজ আছে নেকি যিখিনিয়ে এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে মতলব এতিয়াও একো এটা পোৱা নাই কাম পোৱা নাই বা চাকৰিৰ পিছত দৌৰি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা টিপছ আছে নেকি তেওঁলোকে এনেকৈ বহি থাকিতো আজিকালি একো কাম নহয় लव योर सेल्फ बिलीव योर सेल्फ डोंट ट्रस्ट more वन yourself. मोर देन योर सेल्फ आपको जो करना है खुद करना, रहे जो आप कर रहे हो वही करो और मैं उतना मतलब मैं खुद को उतना बड़ा भी नहीं समझता कि मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकूं. पर मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बोल रहा हूँ कि आपको आपका माँ बाप भी कुछ टाइम पे टाइम ताँप आने से कुछ नहीं देने वाला तो आपको जो करना है आपको खुद करना है आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए बस अभी आज तो मेरा ये आज मैं जहाँ पे हुआ मेरा टेम्प्रेरी सिचुएसन है आप जहाँ पे है वो भी आपके टेम्पररी सिचुएसन है आप आज यहाँ हो आप कल कहीं पे और पे पहुंच जाओगे आप जस्ट लाइक इंडस्ट्री रिपोर्टर भी बन सकते हो बाद में जाके होप आपका आशा आकांक्षा सब पूरा हो जाए और मैं भी आज यहाँ हूँ मैं नीचे भी जा सकता हूँ ऊपर भी आ सकता हूँ कोई बात नहीं है पर आज जो कर रहे हो वो एकदम फोकस इन वन थिंग अभी मैं चाय कर रहा हूँ अगर मैं अभी चाय बना रहा हूँ तो मेरा हरा हंड्रेड परसेंट मैं अभी चाय पे दे रहा हूँ मैं चाय कैसे इंप्रूव कर सकूँ कस्टमर्स को मैं कैसे ला सकूँ कैसे अच्छा प्रोडक्ट दे सकूँ वो लोग को क्या मतलब सर्विस कैसे बेटर कर सकूँ मेरा कैसे लोगों को कौन सा क्या किस तरह का चाय पसंद है आपको वही करना है पढ़ाई में भी आपको क्या आपको क्या पसंद है अभी आपको फोटोग्राफी जस्ट लाइक like वो भाई अभी फोटोग्राफी कर रहा है उसको अभी वो फोटोग्राफी छोड़ के क्रिकेट खेलेगा तो नहीं होगा ना उसको फोटोग्राफी का के लिए ही काम करना होगा तो वैसा ही है जो आप कर रहे हो बहुत दिल से कर रहे हो कौन क्या बोलते हैं लोगों का ओपिनियन वो काम चें आपका लेवल चेंज हो रहा था उन लोगों का ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा এতিয়া সেই ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ তুলনাত এতিয়া তোমাৰ মানে तो फाइनेंशियल इनकम है ना वो कुछ बड़ा बड़ा बात नहीं आज मैं यहाँ पे कल मैं पैसा कमाऊँ मनी कम्स एंड गोस पर जो मुझे मिला है दो महीने में मैंने जो अचीव किया है जस्ट लाइक like मैं आज यहाँ पे हूँ ना मैं कल जीरो पे था अच्छा तो आज मैं मेरे लिए अचीवमेंट यही है कि मुझे इतना सारा लोग प्यार दे रहे हैं पैसा तो आएगा जाएगा मुझे उतना पैसा कमाना भी नहीं मुझे एक्चुअली तो लोगों की हेल्प करना है जो स्टूडेंट्स लोग हैं मैं जो जितना पैसा कमा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना मैं दस करके दूंगा स्टूडेंट्स को तीन घंटा किस लिए क्योंकि मैं वो फेस करके आया हूँ और मतलब मुझे पैसा के लिए इतना प्रॉब्लम होता था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था तो इसीलिए वो लोग के ऐसा प्रॉब्लम है कोई है तो मुझे पर्सनली आके बात करें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है रूम रेंट के लिए कि मेरे साथ आ रहे अगर तो कोई रहना चाहता है अभी मैं भी वही ग्राउंड लेवल पर हूँ मैं मेरा भैया लोगों के साथ रहता हूँ तो अभी मैं रूम देख रहा हूँ और जो मेरे साथ रहना चाहता है आके मुझे मेरे साथ रह सकता है मेरे साथ बात करके क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ काम करके मेरे साथ खुद रहो अब स्टार्टिंग में मैं जो बोल रहा हूँ मैं बहुत सारा लोग तो नहीं रख पाऊंगा पर अपना प्रॉब्लम आके शेयर करो अगर रियल में वो प्रॉब्लम है कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो मैं आपको रखूंगा मेरे साथ मैं जो खाऊंगा वही खिलाऊंगा जो पहनूंगा आपको वही दूंगा कोई उसी इशू नहीं है मेरा भाई भाई जैसे आप रह सकते हो मेरे साथ मैं उतना बड़ा तो कुछ हूँ नहीं अभी मेरा फाइनेंशियली उतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है पर मैं करूँगा मुझे पता है मैं बहुत जल्दी सब कुछ बदलने वाला है यू नो तो अभी तो पैसा वो पैसा के बारे में सोचा ही नहीं है तो कैसे आएगा पैसा अभी दिन में जस्ट लाइक सोचता रहता वैसे के बारे में दिन में पाँच हज़ार रुपये में गणेश गुरु में भी कमा रहा था मैं स्टिल उसको कंटिन्यू करेगा तो मेरा महीने में, में कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड डेढ़ लाख उधर से आ रहे हैं तो मुझे वो एक ही जगह पर के नहीं रहना है मुझे बहुत सारा खोलना है और बहुत लोगों को मेरे मैं खुद ही नहीं बहुत लोगों को भी देना है मेरे ज़रिए से बहुत लोग का लाइफ बन जाए जस्ट लाइक like अभी आप किसी ने यूट्यूब वीडियो डाला है तो हंड्रेड के उसका व्यूज़ आया है मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उतना वीडियो मिला है जो उसको शायद अभी पैसा भी मिलना शुरू हो गया मेरे वजह से जो मुझे नहीं मिल रहा है बहुत खुशी मिलती है मुझे जो मेरे वजह से किसी को कुछ मिला है हाँ मैं कुछ हेल्प कर सकूँ कुछ नहीं होने से भी अगर जस्ट लाइक मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है फिर अगर फाइनेंशियली नहीं अब कोई अगर जस्ट लाइक मैं किसी को भी किसी तरह हेल्प कर सकूंगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा आप लोग आ जाइए बस मुझसे बात कीजिए शरण स्ट्रगल और ईमान पॉजिटिविटी कहने के माने मैंने लाइफ बहुत फेस करीसा हाँ बहुत बेसिघाट तुम एक तो स्टेज पाई सा। तार पाई तारखीसा के पॉजिटिव के के सा। है तो कुछ नहीं बस पॉजिटिवली सबको सोचना चाहिए पर मुझे भी नहीं लगता मैं तो पॉजिटिव भी हूँ मेरा भी बेड साइड्स है जो मैं लोगों को नहीं दिखाता है हाँ, हाँ।, हाँ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बहुत सारा ऐसा चीज़ है पर एक टाइम ऐसा आएगा जस्ट लाइक मैं सब कुछ आप लोग को बोलूँगा सब जो मैंने जो गलत काम किया है मैं वो लोगों के सामने रख के वो चीज़ को प्राइश्चित करना चाहता हूँ मेरा मन में बहुत ऐसा कुछ चीज़ है जो मैंने बोला नहीं है आप लोगों को तो बहुत ऐसे गलत चीज़ मैंने कहा गलत काम भी किया है तो मैं आप लोगों के एक दिन ऐसा आएगा जब सब खोल के बता दूंगा होप आई आप लोग ये समझेंगे ये बात को और ये अभी तो बस स्टार्टिंग फिर दो तीन महीना हो रहा है कुछ नहीं है अभी मैं कुछ नहीं हूँ आप लोग जैसा ही वैसा ही मैं तो आप लोग का दोस्त मैं आप लोग आके बात कीजिए मुझसे और पॉजिटिव क्या है सबको मैं अभी नॉर्मली नॉर्मल रहना चाहता हूँ मैं मतलब हूँ ना मैं अभी यहाँ पर तो यही बात करने के लिए मैं आया हूँ नहीं ये इंटरव्यू हम लोग बात कर रहे हैं हाँ, हाँ. तो बात करने के लिए मैं आया हूँ बात करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं मिल के ना लोगों को कैसे हेल्प हाँ. कर सकते हैं वही बात करना है बस कैसे लोगों तक पहुँचा जा सके लोगों को के कैसे बात किया जा सके और मुझे मेरा उतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं कुछ लोगों को बोल सकूँ मैं उतना पढ़ाई में उतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था तो आप लोग जैसे कर रहे हैं आप लोग डॉक्टर बनिए इंजीनियर बनिए चाय वाला भी बनिए कोई बात नहीं अगर प्रॉब्लम है तो एक स्टार्टिंग फेज में बनिए बाद में अपनी पढ़ाई को लेकर मैं खुद हेल्प करूँगा आप लोग को आप लोग जो पढ़ना है चाय दुकान कीजिए उसके बाद प्लानिंग करते मिल के आपको कहाँ पर पढ़ना है वहाँ पर जाइए आपको जस्ट लाइक तीन बजे तक कॉलेज कॉलेज होगा उसके बाद आप छः पाँच बजे तक रेस कीजिए उसके बाद आराम से आ जाइए वो छः बजे से नौ बजे तक कीजिए क्योंकि आप लोगों को भी पैसा का प्रॉब्लम होगा तो मैं उस तरफ से आप हेल्प करूँगा जो चाहिए आप लोग बस मुझे कर लीजिए बस आ, तुमार दुकान गोल। तो नहीं के नहीं के मेरा ही गलती था मतलब गलती तो कुछ नहीं था पर गैस लीक हो गया मैंने भी कुछ नहीं कर पाया तो उधर का लोग नाराज हो गए मुझसे इसलिए मैं उधर दुकान नहीं देना चाहता वो लोग नाराज करके तो अभी मैं उधर एक जगह है उधर मैं रात को दुकान करने का प्लान कर रहा हूँ जस्ट लाइक वो लोग जब दुकान बंद करेंगे तो मैं पे अभी फैंसी बाज़ार में मेरा करंट लोकेशन है जेल रोड नियर शर्मा स्वीट्स के ऑपोजिट में जेल रोड में तो आप लोग प्लीज़ आ जाइएगा मेरा उधर थैंक यू सो मच और मैं अभी दूसरा एक गणेश गुरी में लगा रहा हूँ वो मिड नाइट फूड जोन बोल के है तो वो रात को जब वो लोग दुकान बंद करेंगे रात को दस बजे से सुबह एक दो बजे तक चलेगा वो दुकान

और वो लोग को मैं टीचर्स लोग को भी मैं लाऊंगा वो लोग वो लोग को सिखाएंगे मैं भी खुद सिखाऊंगा कैसे लोगों से बात करना है मुझे अच्छे से आता नहीं है पर जितना मुझे आता है जितना मैं भी सीखूंगा वो लोग लो से और मैं भी सिखाऊंगा तो हम लोग मिल करना चाहते हैं अभी <laughs> हाँ वो लोग का प्रॉब्लम क्या है उस वो लोग से शेयर करूँगा मेरा प्रॉब्लम नहीं आज मेरा रूम में खाना नहीं बनता मैं वो लोग को रूम पर जाकर खाना खा लूँगा मेरा रूम पर बना वो लोग को मैं बुला के खिलाऊंगा ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब कुछ करना चाहता हूँ मैं स्टार्टिंग में तो उतना बड़ा मतलब हाई फाई तो खोल के नहीं दे सकता मैं अच्छा सा एक टेबल लगा के वो लोग को दे सकता हूँ तुम्हें जड़ित हाँ मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनना है मुझे नहीं करना है गवर्नमेंट मैं अभी तक ग्रेजुएशन के बाद भी एक भी मैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया फ्यूचर में भी नहीं करूँगा मैं तो वही मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है पर मुझे मन नहीं है अंदर से मुझे वो जो होना चाहिए ना मुझे डॉक्टर बनना बनाए मुझे बनना ही नहीं था पहले से पहले बनना था मुझे क्रिकेटर बनना था पर वो तो हुआ नहीं वो तो टूट गया तो उसके बाद जस्ट लाइक चल रहा है सब कुछ इन्जॉय कर रहा हो काम भी हो रहा है लोगों से मिल रहा हो तो फ्यूचर प्लानिंग ये थी तो मैं इसको बड़ा कर सकूँ जब तक ये खुद ब खुद चलने नहीं लगेगा मैं फिजिकली इधर रहूँगा और जब तक ये चलेगा मैं इसको मतलब डिजिटली सब लुक सब कुछ करना चाहता हूँ उसके बाद जस्ट लाइक मेरा दूसरा प्रोजेक्ट हो जस्ट लाइक मेरे पास बहुत सारा पैसा आया तो मैं फ्यूचर में अभी कुछ भी बना सकता हूँ ना जैसा कि है गिटार भी बना सकता हूँ अभी क्या मुझे कैसे लोग मिलेंगे हाँ मैं बस चाहता हूँ कि मेरे से बहुत स्मार्ट लोग मुझे मिले जो जिसके पास जुनून हो हाँ मुझे सपोर्ट करे तो देखते हैं वो मुझे कहा मैं उतना आगे नहीं जा पाऊँगा शायद जा भी पाऊँगा पता नहीं नीचे भी आ सकूँगा पर मैं जो ये हूँ मैं हमेशा यही मिलूंगा ये हर एक चीज अभी दुकान जल गया मेरा लाइफ मेरा घर भी जल सकता है कोई बात नहीं हाँ। पर मेरा अंदर जो ये कभी नहीं जलेगा मैं वो बोलना चाहता घर पर जला गया जस्ट लाइक मैं काम मुझे ये पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्कर था स्टार्टिंग से ही मुझे काम अभी भी मैं ये रात को चार बजे सोया फिर छह बजे उठ के मैं इधर ये लोगों बनाने के लिए आ गया मैं वो सब गुवाहाटी में जब सब्जी दुकान करता था मैं जस्ट लाइक like, uh, सब्जी लेने के लिए गणेश गुरी वह नहीं कहने सॉरी ये फैंसी बाज़ार एंड गौरचुक में जाता था तब मेरे पास एक स्कूटी हुआ करता था तो उससे मैं सुबह तीन बजे उठ के जाता था फिर उधर से आके दिन भर में काम करता था और दस बजे दुकान बंद होता था दस बजे जाकर खाना बनाते बनाते फिर ऐसे ही बारह एक बज जाता था एक बजे के बाद एक बजे सो के फिर तीन बजे उठ के मैं चला था बहुत ठंडा होता था तब तो वो सब मेरा बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है मुझे काम से कोई मतलब नहीं कुछ भी कर दूंगा कुछ भी स्टिल अभी भी, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए ना तो मुझे करें मैं कर दूंगा। आपका घर आकर काम कर दूंगा। घर क्लीन करना हो तो वो भी बोलती मैं अभी भी कर लूंगा टाइम निकल के मैं, दिन के टाइम में थोड़ा फ्री रहता हूँ अभी अभी जस अभी जस्ट लाइक तो बहुत बिजी होगा फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए आके बोलिए मैं कर दूंगा तुम्हारा देवता तुम्हें टीचर तुम्हारा मत नहीं के, ना लगे, हाँ वो लोग मुझे मतलब मेरा मम्मी ने कॉल किया था फिर मुझे बुलाया था कि तुम आ जाओ ऐसा अभी तो मैं जा नहीं पा रहा बहुत बिजी हूं पर मुझे मम्मी से इतना मिलने का मन है कि मतलब अगर मेरे पास फ्लाइट होता ना तो मैं उधर जाके फ्लाइट लेके जाके उनको एक पप्पी देके मैं वापस आ जाता <laughs> ऐसा मन लगता है कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है अभी जस्ट लाइक मेरा दुकान चल गया तो मुझे तब बुरा बहुत बुरा लगा था तो किससे जाके क्या बोलूं क्या कोई नहीं था मेरे स्टिल कोई नहीं है बहुत लोग हैं पर बहुत लोग है भी नहीं ना अभी मम्मी पापा जैसा नहीं होता है तो वो कभी कभी मिस करता हूँ मैं वो लोग को पर ऐसा भी है नहीं कि वो लोग के मैं जाके फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मांगूँ मुझे अभी जो करना मैं अभी मेरा ईगो हर्ट हो गया है ना तो मुझे अभी सब खुद ही करना है मेरे पास खाना नहीं होने से मैं तीन चार दिन बिना खाए रह लूँगा पर मैं किसी के साथ अभी हेल्प के लिए नहीं मांगूंगा ऐसा कुछ तो मैं खुद ही कर लूँगा सब कुछ आई लाइक जस्ट एवरी

पर जो भी हो लोग अभी आके रास्ते में बोलते हैं आ ग्रीजिए चाला फ़ोटो से अच्छा लगता है मुझे पर उतना ज़्यादा भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आप मैं आपका दोस्त हूँ फोटो खींच लिए कोई बात नहीं आके बात कीजिए हाँ कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आप लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ रहिए बस इतना ही चाहता हूँ थैंक यू सो मच তো নিশ্চয়কৈ আমিও কেতিয়াবা যাম গ্ৰেজুৱেট চাই পেলাই এতিয়ালৈ ময়ো ট্ৰাই কৰা নাই কিন্তু ইমানেই শুনিছোঁ যে সকলোৱে কয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলেও কৈ আছে গ্ৰেজুৱেট চাই পেলাই এদিন যাবি আৰু আজি মই সঁচাকৈ নিজকে ব্লেছ ফিল কৰিছোঁ যে তেখেত আজি মোৰ লগত আছে আৰু ইমান বেছি পজিটিভিটি ইমান বেছি এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই পাইছোঁ তেখেতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতে তেখেতে যিখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে সেইখিনি একচুৱেলি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু থাকিলে প্রবলেম তেখেতে যেনেকৈ কৈছে যে মোৰ লগত শেয়ার কৰিবা আজিকালি মানুহে বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে ব এনজাইটিত ভোগে আর তেনেকুৱা কিবা প্রবলেম থাকিলে তেখেত সদায় ষ্টল ভিজিট কৰক একাক চাহ খাওক নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকে তো আশা কৰিছোঁ একচুয়ালি আৰু এটা মেইন পইণ্ট আমি তেখেতে শেয়ার গীটাৰ বজাবলৈ তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এইটো তেখেতৰ হবি के के तो हो के just like मुझे गाना गाना पहले से ही पसंद था मुझे हर एक गाना सुनना भी पसंद है गाना गाना भी पसंद है और लोगों को मैं जो चाय बना गाना गाता हूँ ना वो लोग और गाना गाने के लिए बोलते थे मुझे तो मुझे बहुत पसंद बहुत ज्यादा अच्छा लगता था तो जस्ट लाइक मैं उसमें कुछ यूनिक ट्राई करूँ इसलिए मैं ये उक्कुल खरीद आई है तो हाँ मुझे ये बजाना नहीं आता मैं दो दिन से मेरा हाथ में है तो जस्ट इसको मेरे अनुसार से बजा के आप लोग मत हंसना बस मैं मेरे मुताबिक बजा के आपको सुनाऊंगा कुछ गाना एक ओल्ड uh, सॉन्ग में गाता हूँ हिंदी ओल्ड सॉन्ग तो होप यू लाइक इट आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना है मेरे दिल में यू ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बनके मेरी जान मेरे दिल पर मेरे साथ यूँ ही रहना बदलेगा ये मौसम पर तुम नहीं बदलना मुझे प्यार यू ही करना तारे हजार बनके आए हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बनके और एक ना जाने कैसा सास है बुझती नहीं ये क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए हम मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है थैंक यू सो मच वाओ फसा के बहुत बेसी दुनिया मैं एटो एक्सपेक्ट करा नसिलु जे तुमी गानु इमान दुनिया गुआ सो कम पाले আৰু গ্ৰেজুৱেট চাই পেলাই অকল চাহতেই এক্সপাৰ্ট নহয় এতিয়া গানো বহুত ভাল গায় আৰু তেখেতৰ লগত ইণ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ শ্ৰাদ্ধ তুমি আজি এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে একচুৱেলি মই বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ তোমাৰ লগত এটা কণ্টেক্স কৰিবৰ কাৰণে বাট সেইটো পোৱা নাছিলে চ' ফাইনেলি আজি শ্ৰাদ্ধ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে আৰু শ্ৰাধানৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ জনালে সেইখিনি সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় মই থেংক ইউ এগেইন থেংক ইউ কৈছোঁ তোমাক ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ তোমাৰ फ्यूचर तो बहुत दुनिया होक तुम्ही जी बिसारा लाइफ हई गुटेखिनी तुम्ही पुआ तो तारे आखा करिसो थैंक यू सो मच मैडम आल्सो प्रे फॉर यू कि आपको सब कुछ मिल जाए आपके लाइफ में हाँ आपका जो आप जो चाहती हो वो सब आपका मतलब आप सभी को मिल जाए सब कुछ ना आप जो आपका जो मन में जो चाहत है आप जिससे प्यार करती है आ, वो भी मिल जाए आपको सब कुछ मतलब आपने जो फ्यूचर में सोचा है वो आपको मैं बस प्रे कर सकता हूँ उसके लिए हाँ सब कुछ सब तो भगवान ही देता है तो मैं बस दिल से प्रे कर सकता कि आपको सब कुछ मिल जाए आपको भी आपका जो मतलब फ्यूचर प्लानिंग है आपका भी सबको सब कुछ मिल जाए थैंक so 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 nice so, यू सो मच हम जल्दी मिलते हैं फिर थैंक यू सो मच इतना आशा कर लाइक सबसक्राइब करम ग्रुपर चैनल टाइम एपिशोडको नमस्कार